गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बायनोमो में ट्रेडिंग करेंगे और 70 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो पहले कुछ लेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इस एरिए पर। तो यहाँ पर ये एक मार्केट का एक रेसिस्टेंस एरिया है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे है अभी, और ये ऊपर भी एक मार्केट का रेसिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट अभी इसके नीचे है, इसलिए मार्केट का रेसिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी आ रहा है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बायर्स भी है। तो मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में ही चल रहा है। और जो प्रीवियस कैंडल बनी है, दोनों वीक वीक बाहर आए हैं और प्रीवियस कैंडल ने न्यू हाई भी मारा है। तो देखते हैं, जहाँ पर मुझे कन्फर्म लगेगा वहीं पर ट्रेड लेंगे। तो 5 सेकंड में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम बाई साइड जाएंगे और ये हमारा कंफर्म ट्रेड है, और मैं आपको 1 मिनट में भी बता दूंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है। यहाँ से मार्केट ऊपर ही रहने वाला है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो अप चल रहा है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे रिजेक्शन आ रही है इस एरिया से। तो हम जब नए रहते हैं, जब यहाँ से ऐसा लगता है कि मार्केट रेसिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन आ रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट को जो रिजेक्शन आया पहले ऊपर गया होगा मार्केट, तो बायर्स ही ऊपर लेके गए होंगे, तो यहाँ से बायर्स आना चाहिए। तो जब यहाँ पर मार्केट, जब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी थी मैंने, मार्केट यहाँ पर आया तो मैंने बाय कर लिया। तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। अब हम सेकंड ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से भी एक बाई की एंट्री मिल सकती है, तो देखते हैं। इसमें 5 सेकंड की कन्फर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया है, क्योंकि इस एरिया से रिजेक्शन भी मिल दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर बायर्स है। और अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये वीक वीक बायर्स आ रहे थे, मतलब 100 मिनट इस एरिए पर ये वीक बायर्स। तो जो ये अगली कैंडल बनी थी उसको सेलिंग में बनना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी बायर्स आए, तो मतलब यहाँ पर सेलर से ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड है इस लेवल पर। तो मैंने ये सब देख के बाई किया जब मार्केट नीचे आया। तो ये भी हमारा शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है। तो वेट करते हैं। आपको भी इसी तरह से जो लॉजिक पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कैंडल साइकोलॉजी, लेबल और ट्रेंड को देख के मैं जैसे ट्रेड कर रहा हूँ, आपको भी उसी तरह से ट्रेड करना है। और मैं कोर्स भी बना रहा हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो जी। जिसको भी कोर्स चाहिए तो मैं थोड़ा जल्दी कर लूँगा कोर्स बनाने के लिए। तो हमारा एक लास्ट ट्रेड बचा है, जहाँ पर मुझे कंफर्म लगेगा मैं वहीं पे ट्रेड लूँगा। तो देखते हैं, अगर कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और वैसे भी बैक टू भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कंपाउंडिंग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हमारा एक ट्रेड भी लॉस हो जाता है तो हम फिर हमारा जो लॉस हो जाएगा, अगर एक ट्रेड भी लॉस हो जाएगा तो हमें शुरू से कंपाउंडिंग करना पड़ेगी। तो इसलिए जहाँ पर मुझे कंफर्म लगेगा मैं वहीं पर ट्रेड करूँगा। और अगर मैं कोर्स का कह रहा था कि जिस जिसको भी अगर कोर्स लेना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं तो अभी कोर्स बना रहा हूँ फ़िलहाल के तौर पर, क्योंकि थोड़ी बहुत अभी घर में शादी भी है तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो बना लेता मैं कब का कोर्स। ओके, तो जिस चीज़ को भी कोर्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी कर लूँगा कोर्स बनाने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर कुछ एंट्री मिलती है तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से रिजेक्शन तो अगेन आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है इस एरिया पर, इस जगह से। ओके, तो देखते 5 सेकंड में चले जाते हैं हम, कुछ मिलता है तो लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ कंफर्मेशन भी नहीं मिली और टाइम भी चला गया है। तो ठीक है, इसके बाद अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे। जहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट लगे आप भी वहीं पे ट्रेड लेंगे, भले से 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटे, जितनी टाइम भी बैठना पड़े, लेकिन जहाँ पर कन्फर्म लगे वहीं पर ट्रेड ले, क्योंकि कन्फर्मेशन लेना ज़रूरी रहता है। और ट्रेंड, रिजेक्शन, लेबल सब ड्रॉ करके ही ट्रेड ले, और कैंडल साइकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखते हैं, कैंडल क्लोज होने वाली है, तो यहाँ पर अगेन बायर्स आए, तो इस लेवल पे बायर्स इंटरेस्टेड है। तो देखते हैं 5 सेकंड में कुछ कंफर्मेशन मिलती है, क्योंकि कैंडल ने न्यू हाई भी बनाया वापस से। ओके, तो मार्केट नीचे वो ट्रेंड लाइन पे जाएगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ से मैं ट्रेड नहीं लूँगा अगर मार्केट उस ट्रेंड लाइन पे जाता है। ओके, तो इस एरिया से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी बायर्स है, तो मैं यहाँ से बाई साइड जाऊँगा। ओके, तो मैंने बाई साइड यहाँ पर ट्रेड ले लिया, और ये भी हमारा कन्फर्म ट्रेड है।
और मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो एक मार्केट का सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है, और मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है, इस जगह से हायर हाई बना रहा है मार्केट। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये सब देख के मैंने ट्रेड लिया है। और प्रीवियस कैंडल ने न्यू हाई भी मारा है, तो जब मार्केट यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया था, सिंपल सा लॉजिक था, और ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरी वीडियो पे। मैं इतने अच्छे लॉजिक से आपको सब कुछ बता रहा हूँ, और पेज भी मैंने रिफ्रेश कर दिया है, तो आपको सब कुछ बता रहा हूँ, बाकी लाइक नहीं आती है फिर भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, तो आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, और मुझे पर्सनल मैसेज कोर्स के लिए पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। और आपको जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके ही पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो मैं यहाँ पर आपको विड्रॉ करके भी बता देता हूँ मेरा अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर विड्रॉ भी कर लेते हैं हम अमाउंट को, तो 709 है, तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल लेता हूँ और रिक्वेस्ट दे दी। तो यहाँ पे मैंने आपको विड्रॉ करके ही बता दिया, और यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा रियल अकाउंट है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए डेमो और रियल, और मैंने पेज रिफ्रेश करके भी बता दिया था आपको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।